बागा से लेके इंडिया गेट तक और इंडिया गेट से लेकर तमिलनाडु तक हर तरफ एक ही बात है और एक ही चीज और एक ही उत्साह है, तरंग है। और ये जो तिरंगा सामने लहरा रहा है उसी को देख कर लोग उत्साह में हैं और एक ही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक बार वहां तक बाघा तक जानी चाहिए आपकी आवाज। भारत माता की जी। तमाम सारे लोग रोज शाम की तरह अब इंडिया गेट पे मौजूद हैं। हालांकि इंडिया गेट वो जगह देश की जहां पे तमाम लोग शाम को आते हैं, लेकिन आज कल जो लोग आते हैं उनके हाथ में क्या होता है? तिरंगा। और ये तिरंगा जो है इस वक्त यहां पर जो भावना और जो उत्साह पैदा कर रहा है उसी का यहां पे नुमाइश है। यहां उसी के यहां पे नुमाया हो रहा है वो। हर तरफ तमाम सारे लोग। कहां से हैं साहब आप लोग? कहां से जी? आप कहां से? दिल्ली से जी। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उस उत्साह और उमंग को एक बार फिर से बातचीत के सिरे में पिरोएं। तमाम सारे वो लोग। जनाब आप लोग कहां से हैं आज? सहारनपुर। सहारनपुर से। क्या बात है, आप भी सहारनपुर से? तो आज का जो जज्बा है वो क्या रहेगा? आज का, आज की बातचीत का मजमून क्या रहना चाहिए और क्या देखने के लिए आप यहाँ पे आज मौजूद हैं? अभिनंदन देखने के लिए। वाह, तो अभिनंदन का अभिनंदन है, यही बात है। आज सहारनपुर से चाहे लोग आए हो, दारुल देवबंद से हैं? नहीं, मजाहिर उलूम। दारुल उलूम से है, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। लेकिन तमाम वो सारे लोग, बच्चों से लेके बुजुर्ग और बुजुर्ग से लेके जवान तक, सारे लोग मौजूद। मैं तारुफ कराना चाहूंगा जो लोग हमारे साथ आज जी सोनभद्र से हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। प्रफुल्ल बख्शी साहब, फॉर्मर फाइटर पायलट हमारे साथ मौजूद हैं और जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोफेसर अभिजीत अवस्थी साहब मौजूद हैं, आरएसएस के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ गौरव भाटी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल जेके बंसल साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जोरदार ताली बजा के स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस के स्पोक पर्सन हमारे साथ, हमारी बातचीत को यहाँ पे सिलसिले से जोड़ने के लिए ताली बजा के इनका भी स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को शुरू करें और यहाँ से जो खासतौर से बागा बॉर्डर से जो रोशनी और जो उमंग की खबरें को लेकर हम सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभिनंदन का अभिनंदन करना है जी। शुक्रिया मैम, मैं बहुत 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 शुक्रिया। आप बैठिए, मैं आऊंगा आपके पास। तो लगा अभिजीत अवस्थी जी के पास चलना चाहिए। आज देश में एक ही बात है कि साहब अभिनंदन का अभिनंदन करना है और इंडिया गेट पे हम सारे लोग मौजूद हैं, चाहे आर्मी ऑफिसर्स हो और चाहे आम नागरिक, हर आदमी हर शख्स यही कह रहा है कि साहब विजय हुई है, विजय हुई है। मैं आपको बता दूं कि पूरा देश का एक एक नागरिक, जिस समय यह खबर आई कि हमारा एक पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है, उस समय से लेकर के क्षण प्रतिक्षण हर व्यक्ति आपस में एक दूसरे से पूछ रहा, क्या हुआ, लेटेस्ट क्या हुआ, क्या हाल है उसका, क्या खबर है उसकी, उसके बारे में जानने के लिए। आज मुझे लगता है अगर पूरे देश की जुबान पर एक नाम है तो वो किसका है? अभिनंदन का। अभिनंदन, पूरा देश उसका इंतजार कर रहा है। और मुझे लगता है कि विंग कमांडर अभिनंदन की जो वीरता और शूरता, जिस वीरता और शूरता से उन्होंने पाकिस्तान के विमान को गिराया, उस शूरता का पूरा देश इस समय अभिनंदन कर रहा है जी। और ये बात, इसमें दो राय नहीं। मैं अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, हालांकि परिचय ये कि कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन हाँ ये बात भी सच है कि देश बड़ा होता है और वो उसी हिसाब से बात आज यहाँ रखेंगे। अजय जी, पहले भी रखा है, देश बड़ा है और है जी। देश से बड़ा कुछ नहीं है, राजनीति और सियासत बहुत छोटी है जी। देश बड़ा सदैव रहता है जी। जवाब जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन का मैं वंदन करता हूँ, और उनके शौर्य का, उन्होंने जो जांबाज अपनी दिखाई है, वीरता दिखाई है, सूरवीरता दिखाई है, उसका पूरा देश सलाम करता है। जिस तरह पाकिस्तान में जाकर के वहां पे उन्होंने अपने विकट परिस्थितियों में भी धैर्य का परिचय दिया, जिस तरह अपनी मजबूती दिखाई, जिस तरह उन्होंने उन पाकिस्तानी कायरों के सामने भी अपना सिर खड़ा रखा, उनके साथ हम सबका सिर खड़ा है, उनके साथ हम सभी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये उन्होंने ये भी दर्शाया है
कि भारत की सेना कितनी मजबूत है, भारत के सेना का कितना संकल्प मजबूत है और ये देश कितना मजबूत है। और राजनीति साथ और यहाँ की एक एक राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी बड़ी मजबूत है, वो भी बड़ी मजबूत है, वो भी बहुत मजबूत है, वो भी बड़ी मजबूत है। सेना की कमाल। हाँ जी, आप भी भारत माता की जय बोलिए। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। आपने 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 ये कैसे कहा कि अजय जी को भारत माता की जय बोला? अजय जी, अजय जी बहुत बड़े देशभक्त हैं, अब भारत माता जी की जय बोलने में उनको कहीं कोई गुरेज नहीं। भारत माता की जय जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो लेकिन सवाल यही था कि राजनीतिक पार्टियां भी बड़ी मजबूत, प्रभु सर मैं आ रहा हूँ आपके पास, आई एम कमिंग, राजनीतिक पार्टियां भी बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हैं और इस वक्त सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो ये है कि अभिनंदन का अभिनंदन करना है। भाटिया साहब देखिए, सबसे पहले तो आज रोम रोम से हर भारतीय की एक ही मन में जो है उम्मीद है, आकांक्षा है और वो आवाज जो आ रही है वो भारत माता की जय। सबसे बड़ी बात है आज जब हमारा भाई अभिनंदन लौटेगा तो आप देखिए पूरा देश रुक गया है और ये केवल एक वीर सेनानी अभिनंदन का सम्मान नहीं है, ये देश के हर उस सेनानी का सम्मान है जो अपनी जान पे खेल जाता है हमारी देश की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। ये इस बात का प्रतीक है। गर्व की बात एक और है, गर्व की बात यह है कि MiG-21 में बैठ के और ज्यादा सुपीरियर एक एयरक्राफ्ट था F-16, उसको गिराया हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने। आम भाषा में कहूं तो एक रॉकेट लॉन्चर से एक टैंक को ध्वस्त कर देना, यह वीरता है भारत की। तीसरी बात, ये बड़ी बात है सर कि 48 घंटे में जब अभिनंदन पकड़ा गया, कहीं ना कहीं पूरे देश में पीड़ा थी, हमारा भाई पकड़ा गया है, पाकिस्तान में है, ये हमारे देश की ताकत है, ये हमारे देश का 56 इंच का सीना है और ये हमारे देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि 48 घंटे में हमारा भाई वापस आ रहा है सही सलामत। मैं उस जज्बे को सलाम करता हूं। और एक बात और कहूंगा, एक बात और कहूंगा, आज पाकिस्तान कूटनीतिक हमने ऐसी शुरुआत करी है कि अलग थलग पड़ा हुआ है और सारे देश विश्व में हमारे साथ हैं, वो इसलिए साथ हैं कि हमारा देश है जो ताकतवर तो है लेकिन किस पे आक्रमण नहीं करता, किसी पे अत्याचार नहीं करता और इसीलिए सत्य की विजय होती है। अगला, और आज ये सबसे बड़ा उदाहरण, निशाना आपका मसूद अजहर होना चाहिए। देखिए मैं ये आतंकवादी, सुनिए सिर्फ मजदूर, एक मिनट मिनट, अगला निशाना क्या होना चाहिए, जोर से बोलिए क्या होना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हाँ जी, दाऊद इब्राहिम भी आना चाहिए। दाऊद इब्राहिम भी आना चाहिए। मैं इसी बात का उत्तर देता हूँ, कल प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, सईद का भी आएगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने कल ही एक वक्तव्य दिया, उस पर गौर करिएगा। उन्होंने कहा पायलट प्रोजेक्ट तो सक्सेसफुल हो गया है, सोचिए प्रतीक जी जब पूरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा। एक मिनट बस, एक बात, 30 सेकेंड, एक बात बस, एक बात और कुछ नहीं, मसूद अजहर, हफीज सईद, ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, सबको गले से पकड़ के भारत लाया जाएगा। इस देश का जवान है, देश का जवान वीर है, वो पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, देश का सिपाही है, वीर सूर वीर है, उसको आप पायलट प्रोजेक्ट मत माने। अरे तो देश का एक करिए भाई, देश का एक जो पायलट नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, राजनीति शुरू हो गई है, ऐसी बात संवेदनहीनता दिखाती है, राजनीति से ऊपर उठिए। आज आज राजनीति, आज राजनीति नहीं करेंगे, देश की बात होनी चाहिए, देश की बात होनी चाहिए, देखिए देश की बात होनी चाहिए, पायलट प्रोजेक्ट मत कीजिए। और बिल्कुल नहीं राजनीति होनी चाहिए। धन्यवाद। मातरम, 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 माता की जय, माता की जय जी। ऑफकोर्स मुझे मालूम है आप सारे लोग उत्साह से लबरेज हैं। प्रफुल्ल जी, सवाल यह है कि देश इस समय राजनीति नहीं, ना राजनीति करना चाहिए, ना राजनीति देखना चाहता है, वो एक सुर में एक ही चीज बोल रहा है कि भारत माता की जय। ऑफकोर्स मुझे मालूम है, ये बात कल मैंने कही थी कि हमें वाक युद्ध नहीं करना है, उससे बचना है, क्योंकि टेलीविजन के चाहे एंकर्स हों और चाहे कोई और,
उनको इस बात से वाकयुद्ध से बचना चाहिए। देश जो है, ये मुल्क जो है, सोचने समझने वालों का मुल्क है। अफकोर्स सर, आई विल गिव यू चांस, अफकोर्स यू विल गेट चांस। देखिए भाई और बहनों, सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूं कि भारत अब इस मुकाम पे है, वहां पे सिर्फ एक ही दिशा और एक ही रास्ता है भारतवासियों का, भारत की देश की नेताओं का और हम सब का उत्थान है सिर्फ आगे बढ़ना। जब तक हम अब आगे नहीं बढ़ेंगे, जिस जगह हम पहुंचे हैं, ये जगह ऐसी जगह हासिल हुई है, अब ये स्थिति, ये इच्छा शक्ति, ये राजनीतिक मनोबल 70 साल बाद जब आया है। प्लीज क्लियर करिए, आई एम वेरी सॉरी सर, प्लीज क्लियर करिए, जब आप आगे बढ़ने को कहते हैं तो हमें मेज पर आगे आना चाहिए या युद्ध के मैदान में? मैं बताता हूँ, बातें बनावटी बातें नहीं करनी। कश्मीर में क्या हो रहा है उसको खत्म करना होगा और ये कदम लेना होगा। ये है मैं कह रहा हूं, अगर किसी को डर लगता है टुकड़े टुकड़े गैंग ये वो और पत्थरबाजों से, तो उनको चूड़ियां पहनाइए और पेटीकोट दीजिए और नचाइए यहाँ पर, बिल्कुल नचाइए आप। और यहाँ पर एक ही चीज हो सकती है, अब आगे बढ़ना है, कश्मीर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, सारे प्रॉब्लम मैं अब भाषण नहीं दूंगा क्या प्रॉब्लम है, सारे के सारे, और पीओके वापस लेना है। आप आर्मी ऑफिसर हैं, आपका सर आई एम कमिंग, आप आर्मी ऑफिसर हैं, आप कहते कहते रुक सकते हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं कह सकता हूं, आपने जो कहा वो ये कहा कि जिंदाबाद, बिल्कुल अफकोर्स भारत की आर्मी जिंदाबाद, आपने जो कहा उसका मतलब ये था कि 370 35A बिल्कुल हटा दो, अफकोर्स आई नो, बिल्कुल हटा दो, अफकोर्स आई नो, बिल्कुल अफकोर्स आई नो, बिल्कुल सर, वो पॉलिटिकल और पूरी इंक्वायरी करो और अजय जी इंक्वायरी करो, अजय जी आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अजय जी आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ये आप ही ऑफिसर बोलने दीजिए, अजय जी दे ऑल आर आर्मी ऑफिसर, दे ऑल आर आर्मी ऑफिसर एंड वी ऑल रिस्पेक्ट देम, वी ऑल रिस्पेक्ट देम, पॉलिटिकल पार्टीज विल, और सुनिए और सुनिए और पूरी इंक्वायरी करिए कि 370 के पीछे कौन कौन सी ताकतें थी, उन सबको पेश किया जाए, ये कोर्ट मार्शल किया जाए उनका। अफकोर्स अफकोर्स अफकोर्स, अगर अगर प्लीज सर, वाले के फेवर में नहीं है क्या? प्लीज सर, भाई साहब ये कह रहे हैं कि हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं हटाना है, हम तो कहते हैं हटाइए, हम तो कहते हैं हटाइए, 370 हटाइए, 35 हटाइए, बाहर से पूछिए, जो हमारा इस समय बाहर पाकिस्तान के साथ पहले हमारा हिसाब बराबर होना है, और इस हिसाब में बराबर होने के लिए अब हमने एक आतंकवादी पर को कुचला है, लेकिन वो उसकी पूंछ कुचली गई है, अभी उसका फंड और उसकी रीढ़ की हड्डी कुचलना बाकी है, अगर हमने इस समय उसको छोड़ दिया तो वो काटेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी अभी मेरी बात थोड़ा और ध्यान से सुनिए, अभी जो है ना हमको हाफिज सईद, मसूद अजहर, सलाउद्दीन, दाऊद इब्राहिम, वो सारे चाहिए, ये नहीं कि वो क्या एक्शन लेंगे, अगर हम उनके ऊपर एक्शन छोड़ देंगे वो लीपा पोती करके हाउस अरेस्ट करके फिर छोड़ देंगे उनको, ठीक है सर, इससे कम हमारी कोई बात ही नहीं है, ये लिस्ट है, ये देश की लिस्ट है और ये पॉलिटिकल पार्टीज की मैनिफेस्टो की लिस्ट है सर, वो भी आप पॉलिटिकल का तो नाम ही मत लीजिए यहाँ पे, अभी जो है उसका तो नाम ही मत लीजिए, अभी तो हम ये चाहते हैं ये होना चाहिए। और इस बीच बड़ी खबर आती हुई कि अभिनंदन को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया है, और ये करतल ध्वनि, ये तालियां, भारत लगी, भारत लगी, भारत लगी, भारत लगी, भारत लगी, भारत की धरती पर
भारत की धरती पर अभिनंदन है। भारत जी साहब, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, भारत की धरती पर अभिनंदन का अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। जी हाँ, भारतीय अधिकारियों को कुछ देर पहले सौंपा गया है, तमाम सारे लोग इंडिया गेट पर मौजूद उस अभिनंदन के साक्षी बनते हुए और यहाँ पर तिरंगा लहराता हुआ और इस बात का साक्षी कि तमाम सारे लोग आज यहाँ पर अभिनंदन का अभिनंदन करने के लिए मौजूद हैं। थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू, शुक्रिया। और शुक्रिया, शुक्रिया इस देशवासियों के तमाम उन लोगों का जो इस वक्त एक साथ खड़े हैं। लेकिन मैं तारुफ कराना चाहूंगा जो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आमिर हैदर जैदी साहब, सीपीआई लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप भी हमारे साथ जुड़े और इस वक्त सारा देश, मुल्क, सारे लोग एक साथ अभिनंदन करें। मेजर जनरल, इस वक्त अधिकारियों को सौंप दिया गया, सबसे बड़ी खबर यह है। जी जी, देखिए अभिनंदन जी यहाँ आए, ये बड़ी अच्छी बात है। जो पाकिस्तान का मकसद था वो ये चाहते थे कि उसको बीटिंग द रिट्रीट के स्टाइल में वहाँ पर जो होती है परेड, उस पर करें और उसका एक तमाशा बनाएं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाएं। लेकिन भारत ने बिल्कुल एक अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखा कि हम जो है बीटिंग रिट्रीट के साथ में नहीं चाहते। भारत ने तो बल्कि ये कहा था कि लाहौर से डायरेक्ट हिंदुस्तान दिल्ली के लिए हम स्पेशल प्लेन भेज रहे, उसमें आ जाएंगे। फिर जो है ये बीटिंग रिट्रीट ही जो वहाँ पर जो फंक्शन है, प्रोग्राम भारत की तरफ से कैंसिल हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है। अभिनंदन जी के बारे में मैं एक दो चीज़ और बताना चाहूँगा। शुक्रिया। ये बताना चाहूँगा कि जो उनकी एक सोच समझती, जो उनकी बहादुरी थी, जब जो जैसे पहले कह चुके हैं, जो मिग है वो थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जबकि F-16 जो है वो सिक्स्थ जनरेशन है। और जब उन्होंने लॉक कर लिया तो उनको ऑर्डर मिला यहाँ से कि आप वापस आ जाओ, लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि उसको मार गिराया वहीं पर, और गिराने के बाद में फिर जो है वो खुद भी इजेक्ट होकर चले आए, उनका प्लेन क्रैश हो गया। और वहां पे हम ही नहीं, उनके मुरीद जो हैं पाकिस्तानी लोग भी हैं, उन्होंने कहा कि इनका जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा था। जब उनके ऊपर अटैक किया गया तो उन्होंने फायर जो है वो हवा में किया, किसी मॉब के ऊपर नहीं किया। तो वहां के मीडिया ने उनको सराहा। हमें सर इस बात पर गर्व है कि हमारा बिहेवियर उस संकट के दौर में भी बिल्कुल उन्होंने होना चाहिए काम रखा, और वहां पे लोगों को वीर होने चाहिए वैसा था। आपका सर आई एम कमिंग सर, राइट राइट सर। प्रतीक, बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। कारगिल में भी जो पाकिस्तान के सैनिक मारे गए उनकी बॉडी ससम्मान उनको वापस लौटाने की हमने कोशिश की, उन्होंने लेने से मना किया। भारत की तरफ से एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां किसी उस पाकिस्तानी किसी दुश्मन के सैनिक का बिहेडिट किया गया हो। लेकिन आज मुझे याद एक और याद आ रही है प्रतीक जी, और मुझे उसका नाम लेने दीजिए, सरबजीत की। काश कि सरबजीत भी इसी तरीके से वापस आया होता तो इस देश का हौसला, इस देश की वो परंपरा, इस देश की वो शांति जिसके लिए हम इस देश जाना जाता है, उसको भी हम सल्यूट करते। बिल्कुल आमिर, आमिर, आमिर हैदर जैदी, ऑफकोर्स 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 आमिर हैदर जैदी साहब मौजूद है, मैं उनको भी मौका देना चाहूंगा इस पूरे अभिनंदन के में शरीक होने के लिए। आमिर हैदर जैदी साहब, पहले तो मैं अपने देश के रणनीतिकारों का और अपनी सेना को सलाम करता हूं, सलूट करता हूं, जिनकी वजह से हम यहां तक इस देश तक सक्सेस हुए। दूसरे, हम पाकिस्तान को भी एक मैसेज ये देंगे कि हम वहां में जो प्रायोजित आतंकवाद है या जो आतंकवाद वहां खुद ब खुद पनप रहा है या उसे जो प्रायोजित किया जा मोहब्बत से हमारे मिलेंगे तो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही देते हैं, हमारी परंपरा रही है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा पठान साहब, सुन लीजिए सर, सर सर सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए पठान साहब, अगर इतना बड़ा दिल दिखाया है तो कम से कम जो हाफिज सईद और जो दूसरे हमारे कंधार कांड के आरोपी हैं उन्हें भी हमें सौंप दीजिए ताकि ये नफरतें सारी खत्म ही हो जाए, हो जानी चाहिए ना। तो हम तो ये मैसेज देंगे और हमारी ये मांग है, हमारी ये मांग है, हमारे यहाँ का कोई अपराधी हमारी हत्या करे। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये पहली तस्वीर जो आपने अपने स्क्रीन पर देखी, ये पहली तस्वीर
उधर से दोनों दरवाजे खुले और किस तरीके से अभिनंदन भारत की धरती पर एंटर हुए। अभी अभी ये तस्वीर जिस तरीके से हमने दिखाई और जश्न का माहौल यहाँ पर लोगों को मालूम है कि आ चुके हैं और सीधे यहाँ से जो पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से एक जिप्सी पहले यहाँ से जाती है और वापस उसमें एंटर होती है, वापस भारत का जो दरवाजा है भारत की तरफ का उसमें, तो ये पहली तस्वीर आप ये पुख्ता तौर पर अब ये कह सकते हैं कि अभिनंदन भारत की धरती पर पहुंच चुके हैं। विंग कमांडर अभिनंदन की एंट्री भारत में हो चुकी है और अब वो भारतीय अधिकारियों के साथ हैं। लोग यहां पर इंतजार कर रहे हैं लगातार, देखिए बिल्कुल सन्नाटा, क्योंकि लोगों को पता है कि अब इधर आ सकते हैं किसी भी वक्त, तो लगातार ये लोग इंतजार यहां पर कर रहे हैं। इंतजार बहुत लंबा हो गया, सब बहुत लंबा हो गया, लेकिन हम तो और दो चार घंटे और क्या कर सकते हैं। और आप खुश इस बात को लेके कि भारत की धरती पर पहुंच चुके हैं अभिनंदन? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे देश के हीरो यहां पे आ चुके हैं। अब वो जब वो इतने दिन इंतजार कर सकते हैं वहां पे उनकी कैद में, तो हम उनके लिए कुछ घंटे और नहीं रुक सकते। हमारा उत्साह उतना ही है, उनको देख के हमारी सारी थकान भी मिट जाएगी। तो लंबी कतार, मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से ये, आप जहां तक भी नजर जाती है वहां तक ये लंबी कतार लोगों की है। काफी देर हो गई आप लोगों को इंतजार करते हुए, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं? हाँ हाँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कब तक आएंगे। तो अभी अभिनंदन अभी अपनी जमीन पर वापस लौट चुके हैं, यहाँ आ गए, इसको लेकर के किस तरीके से खुशी? अभी बाहर तो नहीं निकले लेकिन यहाँ आ चुके हैं, हिंदुस्तान में आ चुके हैं, लेकिन हम इधर इंतजार में खड़े हैं, जोर जोर से नाच रहे झूम रहे अभिनंदन का स्वागत करने के लिए हम इधर रुके। आप चाहते हैं कि एक झलक मिल जाए, देख लें किसी तरीके से वो साफ तौर पर। आप लोग भी काफी देर से खड़े हैं? महाराष्ट्र से आए हम। महाराष्ट्र से आए हैं, तो देखिए मैं यही तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब जो है, जो पहले लगातार धूम धड़ाका हो रहा था, जो जश्न बन रहा था, यहाँ नाच गाना हो रहा था, अब वो पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील, क्योंकि पूरे दिन से जिस पल का ये इंतजार कर रहे थे ये हजारों लोग, अब कतार में उस दरवाजे की तरफ मुड़ किए हुए हैं जहां से अभिनंदन को बाहर निकलना है। वाघा बॉर्डर का जो ये सेटअप है बीएसएफ का, उससे बाहर निकलना है और यहां से जैसे ही अभिनंदन बाहर निकलेंगे तो साफ तौर पर ये सब लोग एक झलक पाने को बेचैन हैं अभिनंदन की। आपको ये जैसे जानकारी मिली तो क्या क्या कैसे रिएक्ट करना चाहते हैं कि अभिनंदन भारत की जमीन पर आ चुके हैं? बहुत खुशी की बात है, पूरे देश के लिए बहुत खुशी की बात है और जिस चीज का इंतजार पूरा देश दो दिन से कर रहा है वो लंबा आने वाला है। हम लोग सुबह 10 बजे से खड़े हैं, तो देखते हैं कि भाई कितनी देर और लगती है, लेकिन हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक वो आते हैं। तब तक खड़े रहेंगे जब तक वो आते हैं। अब भारत की जमीन में प्रवेश कर चुके हैं, आ चुके हैं, इस बात को लेके खुशी? अरे बहुत खुशी भैया, इस खुशी के लिए हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कितनी जल्दी आ जाए, हमारा देश का जवान आ रहा है, हम बहुत खुशी, हम यूपी से हैं जी, बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है जनाब। हमारा शेर आ रहा, हमारा पायलट जिसको सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं, हम बहुत खुशी है, बहुत खुशी। बिल्कुल, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये टोन का डिफरेंस हम भी देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो लोग खुशी से नाच गा रहे थे, इंतजार कर रहे थे, एक तरीके से कह रहे थे कि जब तक अभिनंदन नहीं आएगा हम यहाँ टिके हुए हैं, नाच गा रहे हैं, वो अब बिल्कुल सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस, खुले में अगर हजारों लोग मौजूद हों और बिल्कुल आवाज ना आए तो आप समझ लीजिए, तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार लोग एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं और लगातार लोग देखते जा रहे हैं जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? अब तो आ गए हैं, भारत की जमीन पर आ गए हैं, हम बेसब्री से उनका इंतजार करें कब आए और अपनी आंखों से उनके दर्शन करें जो पाकिस्तान की कैद में दो दिन रह के आए हैं। बड़ी बेसब्री से इंतजार करें, सुबह का 9 बजे का अभी और वेट करें बेसब्री से, दिल कर रहा है अभी आ जाएं, उन्हें देखें, पता नहीं कब आएंगे सुबह के 9। क्या कहना चाहते हैं अभिनंदन को, कहना चाहते हैं कुछ वापस लौटे हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि सारा देश आपके साथ है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये इतनी भीड़ है, इतना क्राउड है, इससे पता चल जाता है कि सारा देश बेसब्री से यहाँ पे और न्यूज चैनलों के आगे बैठ के सारा देश वेट कर रहा है कि कब वो आए और एक झलक देखने को मिले उनकी। अभिनंदन के लिए मैसेज कोई देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कुछ उनको, आज वापस लौटे हैं दुश्मन देश से, अपनी जमीन पर वापस लौटे? जी बिल्कुल, ये जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी वजह से हो पाया है और जो इतने समर्थक यहाँ पे उनके खड़े हैं, हमें बहुत प्राउड है उन पे। अभी वो आएंगे, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी है वो वापस आ रहे हैं। तो आप ये पेपर मैं देख रहा हूँ कि सुबह से, देखिए कई बार ये पेपर फोल्ड हुआ है सुबह से, कई बार इस पेपर को खोला गया है, लेकिन इस इंतजार में कि जब अभिनंदन आए तो तब दिखा सके अभिनंदन को। और हम लगातार आपको ये दिखाने की कोशिश लगातार यहाँ से कर रहे हैं
कि ये खुशी है, ये एक उत्साह है अपने तरीके का लोगों में, और लोगों को ये 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 समझ रहे हैं लोग लगातार कि जिस जवान ने देश के लिए जो हिम्मत दिखाई है उसका उत्साह बढ़ाने के लिए ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। अब तो अभिनंदन भारत की जमीन पर आ चुके हैं, तो अब इंतजार है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ पूरा सन्नाटा हो गया अचानक यहाँ। हाँ जी, अभी काफी देर से सब वेट कर रहे हैं, तो अभी के लिए सन्नाटा है। अभिनंदन जी आएंगे तो एकदम देखिए कैसे माहौल बन जाता है यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, वो पल अब आ रहा है, तो इसलिए सब कुछ रुक गया है। हाँ, अभी थोड़ी देर के लिए चीजें थम गई हैं। अभिनंदन जी आएंगे तो एकदम देखिए कैसे ढोल और बाजा शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे दर्शक भी ये महसूस कर पा रहे होंगे कि जो बिल्कुल बदलाव माहौल में यहाँ पर आया है, मैं हैरान हूँ इस चीज को देख करके कि पहले जिस तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेशंस हो रहे थे, अब वो कोतूहल में बदल गया है, अब वो सन्नाटा हो गया है बिल्कुल। ये पल देखना चाहते हैं, बस समझना चाहते हैं अभिनंदन बाहर आएंगे तो कैसा फील होगा। अभी थोड़ा सा सन्नाटा हो गया था, अब फिर से जब वो आएंगे और मिलेंगे सब इससे, फिर देखना कितना ढोल बजेगा। अभी तो शुरू होगा सब कुछ, अभी आप देखना। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो शुरू होगा ये सब कुछ। जी कुछ कहना चाहते हैं? हम बहुत खुश हैं जी, अभिनंदन हमारे वापस आ रहे हैं, हमारा शेर दोबारा हमारी जमीन पर आ रहा है, हमें इस चीज का बहुत गर्व है। हम सुबह से चले हुए हैं 7 बजे से अमृतसर के लिए, मेरे ख्याल में हम 1:30 बजे से यहाँ, हमने कुछ नहीं खाया, लेकिन हम ये सोच रहे हैं भी हमने एक झलक देखनी है उसकी। अब बस हमें यही जज्बा है भी हम यही जोर से बोल सके, पाकिस्तान की जमीन पर बोले भारत माता की जय। नहीं तो कहां से आप लोग आए हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? अभिनंदन अब तो बाहर निकलेंगे कुछ देर में, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यही मैसेज देना चाहते हैं जी, हमने उनका बहुत, हम ये बोल रहे हैं भी पूरे इंडिया ने, जैसे पूरे इंडिया का जैसे बेटा भाई ऐसा, बिल्कुल हम ये सोच रहे हैं भी हमारे में इतना जज्बा है, हमें ये जज्बा अभिनंदन ने दिया, हम ये सोच रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर हम बठिंडा से आए हैं अभिनंदन को, उनका अभिनंदन करने के लिए। हम सुबह से निकले हुए हैं, अपना घर बार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, बच्चों के फोन आ रहे हैं, हम बोल के आए थे भी हम 3-4 घंटे में आ जाएंगे, बट नहीं, अभिनंदन जब भी आएगा हम यहीं पे रहेंगे, चाहे 10 बज जाएं 12 बज जाएं। और हम एक मैसेज देना चाहेंगे सभी यंगस्टर्स से, आप ज्वाइन करो, आर्मी ज्वाइन करो, उनकी रिस्पेक्ट करो और आगे बढ़ो इंडिया को आगे। और आप जब ये पता लग रहा है कि अभिनंदन भारत की जमीन पर तो आ गए हैं, पहुंच चुके हैं, अपने अधिकारियों के साथ है, तो कैसे? एक घर महसूस हो रहा है सर, अंदर से खुशी महसूस हो रही है, एक उनका इतनी खुशी महसूस हो रही है हम बता नहीं सकते। तो जब आएगा हम एक बार, एक इच्छा हमारी ये भी है, हम आर्मी से कहना चाहते हैं एक बार उनको भी हम देखना चाहते हैं, अभिनंदन को रूबरू हम लोग देखना चाहते हैं अभिनंदन को एक बार, कहीं गाड़ी में ले जाएं, वो उनकी सिक्योरिटी रीजन होते हैं कुछ, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं एक बार प्रेस ब्रीफिंग में, एक बार एक मिनट के लिए ले आए जाए, एक मिनट के लिए। हमारा एक ही मकसद है कि जिस मकसद से हम यहाँ पे आए हैं, अभिनंदन जी से उनसे उनका वेलकम करने आए हैं, तो अगर हमको मिल सके, उनको देख सके, उनका जज्बा देखें, ताकि वो उनको देख के एक एनर्जी है वो हमारे ऊपर भी आए, ताकि वो हमारी जो एनर्जी है वो हम उसको एक फैमिली के साथ एक्सप्लेन कर सकें, ताकि उस एनर्जी के साथ आने वाली जो पीढ़ी है वो भी आगे बढ़ सके। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं? आ जावे माही, तेनू अखियां उड़ीक दियां, अखियां उड़ीक दियां, दिल वाजा मारदा, आ जावे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया। ये देखिए अब जो एनर्जी है वो अब धीरे धीरे लौट रही है, और भारत माता की जय बोलनी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। आप लोग इंतजार कर रहे थे काफी देर से, अब ये पक्के तौर पर ये कहा जा सकता है अभिनंदन अब भारत में है, अधिकारियों के अपने साथ है, अब कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं जी? पहले तो मैं एक चीज बोलूंगा जी, आ जावे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया, जो दट साहब ने बोला, मैं उसी का दूसरा दर्द बोलूंगा। हाँ। कि तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम तो दीवाने तेरे नाम के। ये एक चीज, एक तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा इस चीज के मोदी जी का, कि जिन्होंने ये 56 इंच का सीना जो हमें दिखा दी है, और एक चीज का हम मोदी जी को ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मोदी जी आप अकेले नहीं हैं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तस्वीर यहाँ पर, ये जज्बा और ये सन्नाटा, अब वो पल, क्योंकि जब अभिनंदन यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं सब लोग इंतजार कर रहे हैं, इन इंतजार की घड़ियों में हम चलते हैं प्रतीक के पास चलते हैं, और जैसे ही अभिनंदन यहाँ से बाहर निकलेंगे हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो अभिनंदन का अभिनंदन है, अभिनंदन है, और यहाँ इंडिया गेट पर भी यही, भारत माता की, भारत माता की, लगातार यही उद्घोष हो रहा है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और लगातार सारे लोग प्रतीक्षा में कि एक नजर हमको अभिनंदन को देखने को मिले, और तमाम सारे लोग तिरंगे के साथ यहाँ पर। ये बात सच है कि सूरज उधर पश्चिम में धीरे धीरे बढ़ रहा है,
लेकिन आज जो उसकी लालिमा है वो और दिनों की लालिमा से बिल्कुल फर्क है। आज जो सूरज उधर अस्त हो रहा है उसकी लालिमा लगता है कि उदय हो रहा है। ये बदला हुआ भारत है, ये जी, और ये बदला हुआ भारत दिखाई देता है और तिरंगे के साथ यहाँ इंडिया गेट में। अलबत्ता बात का जो सिलसिला था वो मैं फिर से जोड़ता हूँ। इन्होंने कहा था कि मुझे ये उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो और जो आतंकी हैं उनको भी सौंपेगा, और इसी पे अजनेश जी मैं आता हूँ आपके पास। यस सर, रिस्पॉन्ड। मैं एक बात प्रतीक जी बिल्कुल साफ कह दूं, जिनको आज ये उम्मीद है कल वो पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के भाषण सुन ले, हाफिज सईद साहब, यूसुफ साहब, और जिसको उम्मीद है कि पठान साहब का दिल बड़ा था इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, आप में से किसी को लगता है? किसी को लगता है? ये इन लोगों को लगता है जो यहाँ पर देश के टुकड़े होने के नारे लगाते थे, आज फिर से वही बात कर रहे हैं। वो कहा है आज? आज हम ये तय करें कि जो भी यहाँ नारे लगाएगा, आज हम वंदे मातरम लगा रहे हैं, कल तक वंदे मातरम का नारा लगाने से मना कर रहे थे, कहते उससे देशभक्ति क्या होती है। मैं आपको एक बात साफ बता दूं, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम या सलाउद्दीन, कोई भी क्या आपको लगता है कि बातचीत से देगा वो? क्या 30 साल से लगातार लड़ रहे हैं हम, 26/11 हुआ यहाँ पर, 166 लोग मारे गए, 45 लोग पुलवामा में मारे गए, अभी भी बातचीत करें? जो ये कांड किया अभी भारत की सरकार ने और भारत की सेना ने जो काम किया जा करके, उसका मजा है, उसका परिणाम है कि आज अभिनंदन हमारी सही और सुरक्षित है। बातचीत का कोई सवाल नहीं उठता, बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता। उससे पहले कंडीशन ये है, जो ये टेररिस्ट के मुखिया हैं उनको सबको हमको दिया जाए। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है पाकिस्तान के कि ये जो अजहर मसूद अजहर है ये हॉस्पिटल अपने घर पे है, बीमार है। हम ये कहते हैं उनको भारत को दो, हम अच्छे से ट्रीटमेंट करके उनका इलाज करके उनके ऊपर मुकदमा चलाएंगे, और उनके उनके लिए भी फायदा है। फायदा ये है कि इस समय वो अपना पीछा छुड़ा सकते हैं, ये उनके लिए भी घातक है, उनकी सेना के लिए भी घातक है, क्योंकि उनको अभी पूरा संसार, अमेरिका उनको फंड्स नहीं देगा, वो जो है उनकी इकोनॉमी सारी पैरालाइज हुई पड़ी है। जी गौरव, प्रतीक जी, गौरव कोई एक मिनट, गौरव प्रतीक जी, जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि इमरान खान का बड़ा दिल है इसलिए हमारा भाई वापस आ रहा है, तो मैं बता दूं कि बड़ा दिल होना और दिल बैठने में फर्क है। इमरान खान का दिल बैठ गया है हमारी ताकत देख के, इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरी बात, सबसे अहम ये है कि जो हमारा भाई अभिनंदन है, इसके पिताजी भी वायुसेना में थे, देश की सेवा कर रहे थे। केवल एक बात बोलना चाहूंगा कि ऐसी कई बार हमने देखा है कि एक मां जिसका वीर बेटा शहीद हुआ है देश के लिए, और आर्मी के ऑफिसर्स गए उसके मेडल, यूनिफॉर्म और तिरंगा लेके, तो उस वीर मां ने कहा है कि मेरा दूसरा बेटा खड़ा है और ये भी भारत के लिए कुर्बान हो जाएगा। भारत की एक बात और कहूं, 350 आतंकवादी ढेर हो गए जिस कामरान ने बुरी नजर हमारे देश की तरफ करी और हमारे 40 जवानों को शहीद किया, वो भी ढेर हो गया, और 48 घंटे में हमारा भाई वापस आ रहा है। ये हमारे देश की ताकत है, ये कोई बड़ा दिल नहीं है, मैं बता दूं। और ये लड़ाई रहेगी जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता, रहेगी बिल्कुल। मैं जिम्मेदार विपक्ष हूँ, जिम्मेदार विपक्ष के नाते बात करूंगा। अल्लाह का सूरज या भगवान का सूरज जिधर से छिप रहा है उधर से हमारा सूरज उधर से उग रहा है, उधर से ही वापस हमारा सूरज वापस आ रहा है। मेरी समझ रहे होंगे कि सूरज कहाँ छिपता है? पश्चिम में, पश्चिम से ही हमारा सूरज आज वापस आएगा जिसे देश देखना चाहता है। दूसरी एक चीज़ और है, मैं थोड़ी सी देर के यही मान लेता हूँ कि जिनेवा कन्वेंशन को पठान साहब ने मान लिया, तो जिनेवा कन्वेंशन अगर वो मान सकते हैं तो वो ये भी मानेंगे, वो ये भी मानेंगे हमारा अपराधी अगर उनके घर में छिपा हुआ है तो वो उसके भी अपराधी, उसे वापस कर लेना चाहिए। और अगर इनका इतना ही चल रहा था, ये इतने ही पावरफुल है, तो जाधव को क्यों नहीं वापस लिया? जाधव को क्यों नहीं वापस करो? वो तो सिर्फ पठान का सिर्फ
समाधान के अगर प्रधानों का अपमान करो, आपको सभ्यता नहीं आती तो मैं क्या करूं? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। प्रधान प्रधान थोड़ा है, प्रधान इंटरनेशनल पे सिद्धू के लिए विदेश नीति जानता हूँ, एक विदेश नीति नहीं जानते, विदेश नीति में बोला नहीं जाता। एक मिनट, आप रहने दीजिए, विदेश नीति चीन से पूछ के आए हो? चीन से पूछ के आए हो क्या? अमीर हैदर कैदी साहब चीन से पूछ लिया क्या? कहना है प्रतीक जी, आज सबके दिल से क्या आवाज आ रही? लेट बी क्लियर, लेट बी क्लियर, लेट बी क्लियर वन थिंग, लेट बी क्लियर वन थिंग, लेट बी क्लियर वन थिंग। आप तिरंगे के नीचे खड़े हैं हुजूर आली, और इसका मतलब यह होता है कि आप जिम्मेदारी के नीचे हैं। बिल्कुल। और अगर आप जिम्मेदारी से, आप जिम्मेदारी का मतलब नहीं समझते हैं तो आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे आप सुनने, आप सुनने की, अपने देश के मुखिया को चोर कहते हो तो अपने देश के मुखिया को क्या कहते हो तो? नहीं नहीं, ये अपने देश के मुखिया को क्या कहते हो? ये इंडिया गेट है, ये लीज पर है, ये तुम्हारा नहीं है, ये शहीदों के नाम है, अपने देश के मुखिया को राज करो तो कल से इसकी लीज खत्म करो, इसे अपने नाम करो। एक मिनट प्रतीक जी, आप मुझे आने दीजिए। देखिए मैं एक बात बोलूं, आज आज का वो दिन है, सुनिए, अरे एक मिनट सुनिए भाई साहब, आज प्रतीक जी आप मुझे केवल आदर ने, प्रतीक जी आप मुझे, आज आज वो एक मिनट है, आज एक मिनट, आज वो दिन नहीं है कि हम पठान पठान करें, आज वो दिन है जब हम भारत करें। हम ये ना कहे पाकिस्तान जीवे मेरा यार जीवे, हम कहे अभिनंदन भारत जीवे, भारत जीवे। आज वो दिन है, इनको पठान की पड़ी है। अपने देश के प्रधानमंत्री का मुंह से एक बार इन्होंने लफ्ज नहीं निकाला क्या ये देश की जनता नहीं देख रही है? ऐसी बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, छोड़िए आप, अच्छा जाने को मुबारकबाद, हम राजनीति आज नहीं करेंगे, लेकिन दर्द होता है कि ऐसी पार्टियां भी है जो एक बार साफ कर रही है अपने देश के प्रधानमंत्री नाम नहीं ले सकते। यहाँ की जनता मौका नहीं है, आज देश की बात है, प्रधान साहब कहने का मौका है, बात है, प्रधान साहब कहने का मौका है क्या? और पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, पूरी दुनिया जान रही है अजहर मसूद को कि वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। हक्कानी नेटवर्क चाहे हो, चाहे आपका जैसे मोहम्मद की बात को, सभी पाकिस्तान में पलते हैं, ISI के पलते हैं, उनको देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देश, आप इस मुल्क, आप इस मुल्क के सबसे, हम इस मुल्क के सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी है, ये बड़ा है। जब आप सबसे बड़ी ओपोजिशन नहीं है, आप सबसे बड़ी ओपोजिशन, आपका का बात नहीं है, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात है। हमारे देश के जो आज हुक्मरान ने और सेना ने आतंकवादी चीज को नष्ट करने के लिए कहा है, आतंकवादियों को नष्ट करना चाहते हैं, यदि पाकिस्तान तैयार है कि वो भी आतंकवादियों को नष्ट करे, सुन ली है, पूरी देश उसके मैं अभी बता दूं, लेकिन ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी। मेरे मसूद आजाद चाहिए, सही चाहिए, फौजी को बोलने दो भाई साहब, सही चाहिए, इनको बोलने दो जरा, इनको, लेट हिम स्पीक। हमारे पास संकल्प ये है, और आपको मैं बता दूं सारी की सारी प्रॉब्लम क्या है। ये जो इमरान खान है इसकी कोई हस्ती नहीं है, ये तो सिर्फ पैसे बनाने के लिए पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की आर्मी के अंडर में है, और वो उसके सिर्फ उसका प्यादा है, और वही करता है जो आर्मी का चीफ करता है। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान का आप एम है पाकिस्तान की आर्मी को ठिकाने लगाना और बारी बारी से लगाना। जब आप कहते हैं वहाँ के और हुक्मरान हैं जो पॉलिटिकल लीडर हैं, प्लीज प्लीज सर, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आपको ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। जब आप साहब कहते हैं कि बारी बारी से उसको ठिकाने लगाना है, जब आप कहते हैं पाकिस्तान को बारी बारी से ठिकाने लगाना है, देन व्हाट डू यू मीन सर? सबसे पहले ठिकाने लगाना है, अपने देश को क्लीन करना है, यहाँ ठिकाने लगा के फिर आगे बढ़ना है, या किसी को नहीं छोड़ना। देखिए पाकिस्तान के ऊपर मैं इकोनॉमिकली बिल्कुल हमने हिट किया है, डिप्लोमेटिकली किया है, और मिलिट्री। अब बात जो पाकिस्तान की है, इमरान खान एक जो उनका प्रवक्ता है, और वो प्रवक्ता ही की तरह से है, मिलिट्री वहां की कंट्रोल करती है। अब उनको जो है पाकिस्तान को US ने एड देना बंद कर दिया है, और अब जो है ये जो आज जो अभिनंदन आ रहा है वो इसलिए आ रहे हैं कि हमारी जो सेना ने, तीनों सेना अध्यक्ष ने ये बता दिया था कि अगर वो कुछ भी होता है
विंग कमांडर अभिनंदन को तो उसका बहुत घोर परिणाम होंगे। और जो हमारी सेना ने तैयारी कर दी थी, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी ने, अगर वो जो है हमको नहीं छोड़ते, उस प्रेशर में वो जो जाके दिया है, पॉलिटिकल प्रेशर में दिया है, ये नहीं दिया, उन्होंने कोई महानता नहीं दिखाई है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल भारत माता की, भारत माता की, भारत मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और तिरंगे झंडा जो यहाँ पे तिरंगा झंडा वो लहरा रहा है, तमाम सारे लोग उत्साह के साथ मौजूद है। मुर्दाबाद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया 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 शुक्रिया। निश्चित तौर से पश्चिम में जरूर सूरज अस्त हो रहा है, जो पीछे नेपथ्य में दिख रहा है, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि ये उदय हो रहा है नए भारत का। और नए भारत के तमाम सारे नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से शुरुआत करेंगे अभिनंदन का, जो अभिनंदन इस समय भारतीय अधिकारियों के पास आ चुके हैं। तमाम वो सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं वो स्वागत करते हैं। और ये बार बार मुझे मालूम है, बहुत 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 अभिनंदन है, अभिनंदन का, भारत का लाल भारत की माटी में आया और उसका स्वागत है। तमाम सारे लोग आज यहाँ पे इंडिया गेट पे इसी बात की दस्तक दे रहे हैं, इसी बात को बार बार कह रहे हैं। जो लोग हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनसे एक बार फिर से तारुफ करा देता हूँ। मेजर जनरल जी बी जैनी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे साथ के शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल जी के बंसल साहब लगातार मेजर हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, बने हुए हैं और बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। आलोक जी आप जुड़ रहे हैं, के जी आप जुड़ रहे हैं सबसे। सर ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू सर। आलोक जी ये शायद बड़ा दिन है और इंडिया गेट पे तमाम वो सारे लोग जो मौजूद इसी रोशनी में नहाए हुए हैं, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं, कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और पूरी तरह से आपने कहा बड़ा दिन है, मैं कहूंगा ये बड़े दिन से भी बड़ा दिन क्या है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। भारतीय सपूत जो है वो विदेश में जाकर उनको धूल चटाकर और भारतीय कूटनीति की वजह से वापस आ रहा है, ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए, पूरे 130 करोड़ भारतीय जनता के लिए गौरव की बात। उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा भारतीय कूटनीति के लिए। के शर्मा, के जी ये तो आज इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर से कह दिया और इससे ज्यादा एकता आप क्या लेंगे कि भारतीय कूटनीति की विजय उन्होंने कहा। नहीं, मैं धन्यवाद करूंगा आलोक जी का। निश्चित तौर से आज जिस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की नेतृत्व का जिस ढंग से प्रभाव है और जिस ढंग से हमारी जो भारत की कूटनीति है आज जो अंतर्राष्ट्रीय जगत पर जिस ढंग से डोमिनेट कर रही है, मैं समझता हूं कि ये पूरे भारतवासियों की 125 करोड़ जनता की जीत है। ये 125 करोड़ जनता के साहस, शौर्य और बलिदान, ये जो अपने वीर सैनिक के इसी 125 करोड़ जनता के बीच के लोग हैं, मैं समझता हूं कि आज जिस ढंग से आज हमारी सेना, हमारे वीर जवान और हमारे नेतृत्व की प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति और वीर जवानों के अदम्य साहस और शौर्य का ये परिणाम है कि आज जो है हमारा वीर सपूत आज पुनः एक देश को माटी सुखाकर आज वो वापस लौट रहा है। सच में जो इन्होंने कहा आज मैं पिछले 1.5 घंटे से देख रहा हूं, तमाम लोगों के चेहरे पढ़े जा सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं है जी। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सूर्य जो है वो पश्चिम में डूब रहा है। आपको सबको मालूम है कि पाकिस्तान भारत के पश्चिम में ही है और वहां भी सूरज डूब रहा है, सूरज डूब रहा है। अभिनंदन, अभिनंदन का तो अभिनंदन पूरा देश कर ही रहा है। मैं
चार लाइनें पंक्तियां आपके लिए लिख के लाया हूं। क्या बात है सर, बहुत मदद हो तो बहुत। ऑफकोर्स सर, ये पुरानी भारतीय परंपरा है, जब युद्ध में जाते थे तो ये भी होता है। बहुत अच्छी बात, सुनाने वाली बात है। सुन रहे इमरान पाकिस्तान, क्या बात है, सुन रहे इमरान पाकिस्तान, कश्ती तेरी डूब रही अब किस किस को बचाएगा। क्या बात है, गधे तो तेरे चाइना में बिक रहे, गधे चाइना ने पाकिस्तान में 8 लाख गधे हैं। हंसने वाली बात नहीं है सर, आज चार पैर वाले 8, हाँ चार पैर वाले गधे 8 लाख हैं, उसमें से 50,000 गधे चाइना में बेचे जा रहे हैं ताकि उनकी खाल इस्तेमाल हो, और खाल के नीचे जो जेलेटिन होती है उसकी दवाई बनती है, तो इसलिए क्योंकि उसको खाने को रोटी कपड़ा मकान को पैसा नहीं है, गधे वो चाइना को बेच रहे हैं। जी साहब इरशाद, तो गधे तो तेरे चाइना में बिक रहे, अब कहां से तू क्या कमाएगा। कश्मीर में आतंक की बकवास बंद करो, कश्मीर में आतंक की बकवास बंद करो, वरना उसका हर्जाना भी न भुगत पाएगा। मजबूर न कर हमें और बंदा बन जा, मजबूर न कर मुझे और बंदा बन जा, सुधर जा, हम तेरे दुश्मन नहीं, हम तेरे, तू हमारा दुश्मन होगा, हम तेरे दुश्मन नहीं, अरे बंदा बन जा इमरान पाकिस्तान, वरना हम किसी से कम नहीं। क्या बात है, कम सर, कम सर, कम सर, लेट मी फिनिश। अगर युद्ध अपने ऊपर तुमने थोपा, हम नहीं थोप रहे, वो खुद ही युद्ध थोप रहा है, अगर युद्ध अपने ऊपर तुमने थोपा तो इस दुनिया से अपनी हस्ती मिटाओगे, नक्शे पर अपने पाकिस्तान को ढूंढोगे भी अगर कभी ना, तो पाकिस्तान का नाम और निशान भी ना पाओगे। प्रतीक जी, राइट सर, जी आपने जज्बा देख लिया है, ये जज्बा ऐसा है जिस जज्बे ने अभिनंदन को वापस लाके दिया है, ये जज्बा होता है, ये आप लोगों का जज्बा है, एक एक आदमी, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने जब से खबर सुनी उन खाना नहीं खाया उन्होंने, कि जब तक अभिनंदन वापस नहीं आएगा फोन करके पूछ रहे क्या खबर है, रास्ते में थे, ट्रेन में थे, मालूम नहीं चल रही क्या खबर, क्या कब आएगा। ये है हिंदुस्तान की जनता, इस हिंदुस्तान की जनता को देख ले, और आप ये, आपको मैं ये बता दूं कि हिंदुस्तान की जनता इतनी संयमी जनता है कि 30 साल से हम कश्मीर में वो आतंकवाद भुगत रहे हैं, उसके बावजूद भारतवर्ष की जनता आज भी ये कहती है, क्या कहा कि समझ ले, आज भी कहा कि तू हमारा दुश्मन है, तू होगा दुश्मन, हम तेरे दुश्मन नहीं है। ये है एक सैनिक, ये है एक भारतीय सैनिक, और दूसरी तरफ कौन है जो हेमराज का सर काट करके देते हैं, वो है जो कालिया के साथ बुरी हरकत करते हैं, वो जो सर आलोक जी, आलोक जी, नॉट रिस्पॉन्ड, ये है इमरान खान, ये है पाकिस्तान, नॉट रिस्पॉन्ड, नॉट यू रिस्पॉन्ड। मैं समझता हूं कि आज सबसे पहले हमें उन वीर माताओं को सैल्यूट करना चाहिए जिनके बच्चे बॉर्डर पर लड़ने के लिए फौजी के रूप में तैनात रहते हैं। मेरी मौसी का बेटा भी अभी वहीं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर है, मेजर है वो। दूसरी मौसी ने आज एक कविता लिखी है, छोटा सा चार पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूं। स्वागत है आलोक जी, स्वागतम अभिनंदन, वाघा बॉर्डर पर देखो ये कैसी गहमा गहमी है, कौन सा उत्सव है जिसकी भव्य तैयारी है, उत्सव नहीं महोत्सव है ये जिसकी महिमा न्यारी है, अभिनंदन के वंदन खातिर भारत माँ हर्षाई है, माँ बेटे का मिलन देखने दुनिया सारी आई है। क्या बात है, अभिनंदन के, क्या बात, अभिनंदन है? के अश्रु जल से भारत माँ के चरण पखारे हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, गूंज उठे ये नारे हैं। क्या बात है, ये हमारी सगी मौसी ने लिखा है। दूसरी मौसी का बेटा अभी बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, बिल्कुल इन्फेंट्री बटालियन में। आज उन सभी माओं को और उन सब सबूतों को हम यहाँ से सलाम करते हैं कि आप अपने सबूतों को हमारी रक्षा के लिए भेजते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये इसमें कहीं दो रहने, ऑफकोर्स मेजर जनरल यार, या यू वांट टू ऐड समथिंग, ऑफकोर्स। देखिए इस समय जो है पाकिस्तान के आवाम या वहाँ की जनता से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा जो लड़ाई है वो आतंकवाद से है, और आतंकवाद के जो आका हैं उनको खत्म करने के लिए मुझे एक राजकुमार का डायलॉग याद आता है कि जानी हम तुमको जरूर मारेंगे, बंदूक हमारी होगी,
गोली हमारी होगी, समय भी हमारा होगा, जमीन तुम्हारी होगी, हम तुम्हारी जमीन में वापस मारेंगे। और यही हमने सोचा है और इसको ही करके हम आएंगे। अब हमको आतंकवादियों का खात्मा करना है और इस जज्बे के साथ में हम हैं और ये करते रहेंगे। बस मैं इतना ही कहता हूँ सर। ऑफकोर्स ये बात सच है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हमारी उनकी आवाम से कोई लड़ाई नहीं है, हम आवाम के साथ वहाँ पे कोई युद्ध नहीं चाहते, यही बात वो भी कहते हैं कि आपकी आवाम जो है बहुत अच्छी है, सवाल ये है कि जब दोनों आवामें अच्छी हैं तो मुश्किल कहाँ खड़ी है? जरा ध्यान से सुनने की बात है, जो वहाँ की फौज है उनका धंधा ही ये है कि वो लड़ाई के नाम पे और भारत का खोप दिखा करके पैसा लेते रहते हैं। सर सवाल दूसरा, सर दूसरा सवाल ना मिस्टर सर, सर सवाल दूसरा कि अगर अगर वो अच्छे हैं और उनकी फौज खराब है तो हम जैसे अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते? ऑफकोर्स यू कैन डिफर ऑन माई पॉइंट, अगर हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते तो क्या अपनी सेना थोड़ी ना बदल देंगे? तो सर क्या रास्ता, क्या ऑफकोर्स इसके बाद आप लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि हर एक देश की अपनी फौज होती है, लेकिन पाकिस्तान के फौज के पास उसका अपना देश है, वहां पर राज फौज का है जिसको एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं, और एक डीप स्टेट है फौज, आतंकवादी और ISI। वहां पर प्राइम मिनिस्टर पहले चुन लिया जाता है, इलेक्शन बाद में होते हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन पहले और फिर प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, तो वो वहां पर राज और पौवा भारी वहां पे फौज का है, फौज ही वहां पे कारोबार चलाती है, फौज के ही बहुत फाउंडेशन। आप ये कहते हैं उनकी जमहूरियत जो है, उनका जो लोकतंत्र है, उनका जो जनतंत्र है। आपने सवाल पूछा कि आप पड़ोसी नहीं बदली कर सकते, लेकिन हम पड़ोसी की टांग को तोड़ के उसकी नियत तो बदली कर सकते हैं। वेरी गुड सर। प्रतीक एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात मैं लगातार इनका बात का जवाब दे दूं कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। पड़ोसी के बारे में भी हमारी जो राय है ना वो साफ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक छोटा सा है पंजाब और रावलपिंडी के आसपास का प्रदेश जो ये सारी गड़बड़ी कर रहा है, वहां के पख्तूनिस्तान, बलूचिस्तान, पश्तून, सिंध, ये सब पाकिस्तान से अलग होने को तैयार हो। पाकिस्तान की सेना उन पर अजीबोगरीब मानवाधिकार का हनन कर रही है। लेकिन हैरत की बात है, हैरत की बात है कि भारतवर्ष में अगर एक पत्थरबाज पे अगर गोली चल जाए, गोली भी ना चले अगर उसको पकड़ लिया जाए तो उस पर तो मानवाधिकार पे क्वेश्चन उठने लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान के समूची उस पर, इसलिए हम कह रहे हैं। मुझे मालूम है पाकिस्तान से झगड़ा, आलोक जी के पास इसका जवाब है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आलोक जी के पास इसका जवाब है क्योंकि वहां पे बलूचिस्तान भी है, पख्तूनिस्तान भी है और सिंध भी है, और ये चार हिस्से होने वाले हैं पाकिस्तान के। सिर्फ रावलपिंडी छोटा सा रह जाएगा मानचित्र में, वो उसका हिसाब किताब बराबर आलोक जी। आलोक जी देखिए, मैं समझता हूं कि कूटनीति अलग चलती है। आलोक जी आपने माताओं का नाम लिया था, माँ बहनों का नाम लिया था, और यहाँ पे आर्मी ऑफिसर की वाइफ बैठी हैं, बहुत देर से उन्होंने एक बार आप हाथ उठाया, मैं चाहूंगा कि आप लोग सारे लोग ताली बजा के अभिनंदन करें। थैंक यू मैम फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारा देश पीस लविंग नेशन है, एवरीबडी नोज, हम कभी भी एग्रेसिव नहीं हुए, लेकिन हमारी इस पीस लविंग नेचर को कमजोरी समझ लिया गया है, और हमारे सैनिक इतने बहादुर हैं जो अभी सामने आपके पास एग्जाम्पल आया है। बट हमारा फिलॉसफी है लिव एंड लेट लिव, उनकी फिलॉसफी है मरो और मारो, बस दो डिफरेंस, दिस इज द ओनली थिंग आई वांट टू से। ऑफ कोर्स आई गॉट इट। आलोक जी मैं बताऊं, इससे पहले मैं आलोक जी आए, केके जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम इससे पहले वीर नहीं थे? क्या इससे पहले हमने युद्ध नहीं जीते, या अभी अभी बस हम वीर हुए हैं? नहीं प्रतीक जी, हम सदैव से वीर कौम है, सदैव से वीरता हमारे देश के अंदर भी जन जन के अंदर है। तो श्रेय दीजिए, प्रश्न ये है, फिर श्रेय दीजिए सबको। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि वक्त में पहचान होती है, वक्त में पहचान होती है। आज जिस ढंग की राजनीतिक इच्छा शक्ति हमने रखी है इस देश के नेतृत्व में, और जिस ढंग से हम जो है हमारी पाक दृष्टि जो है स्पष्ट रूप से हमने किया है कि यदि छुओगे तो ठोक देंगे तुम्हें। 26/11 के बाद हो सकता था ये, ऑफकोर्स सर, यदि छुओगे तो ठोक देंगे। हमारी लड़ाई, हमने जैसे जनरल साहब ने कहा, हमारी लड़ाई जो है आतंकवाद के विरुद्ध, ठीक है सर, हम आतंकवाद के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं, और ये आलोक जी, आज के दौर में हमारी ये लड़ाई निर्णायक तौर पर है,
और हमें पाकिस्तान को और आतंकवाद के उद्देश्यों को समझाना चाहते हैं। देखिए विषय ये नहीं कि आज ही इच्छा शक्ति है, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी में इच्छा शक्ति नहीं थी, क्या मनमोहन सिंह जी में इच्छा शक्ति नहीं थी? सबके अंदर एक प्रश्न का उत्तर दो। अरे भाई छब्बीस ग्यारह के बाद कुछ नहीं हुआ, गलत बात कर रहे हैं आप। 26/11 के बाद कुछ नहीं हुआ। हर व्यक्ति का अपना, मैं विचलित होने वाला नहीं, ना मैं अपना धैर्य खोने वाला हूं। अगर इच्छा शक्ति, देखिए एक मिनट आलोक जी प्लीज देखिए, मुझे मालूम है आप सारे लोग देशभक्त हैं, आप सारे लोग तिरंगे के नीचे खड़े हैं, इसलिए सम्मान करिए, सुनिए। हाँ जी आलोक जी, अब सर कमिंग। एक अलग तरह का पैमाना बनाया जा रहा है कि जो भाजपा के साथ भाजपा की बात करेगा वो देशभक्त है, बाकी सब देशद्रोही है। गलत तरीका। आप मुझे केवल ये बताइए, क्या मोदी जी की इच्छा शक्ति के ऊपर जो बात कर रहे हैं आप, क्या मोदी जी पुलवामा का इंतजार कर रहे थे क्या? 26 पुलवामा होगा क्या, उसके बाद इच्छा शक्ति दिखाऊंगा? 26/11 के पहले क्यों नहीं दिखाया मोदी जी ने? 18 बार बड़े हमले हुए, ISI यहाँ तक जांच करने पहुंच गई, 10,000 पत्थरबाजों को छोड़ा, तब आप लोगों को इच्छा शक्ति नजर नहीं आई? आपको बता दूं, गलत बात है। प्रतीक जी, मैं बात आपको बता दूं, शौर्य के ऊपर, आज के दिन पर राजनीति मत कीजिए। सुन लीजिए, मैं आज के दिन पर राजनीतिक बयान नहीं करना चाहता था, लेकिन आलोक जी ने क्या उठाया है तो मैं उदाहरण देता हूँ आपको। पोखरण परीक्षण करने की इच्छा शक्ति अटल बिहारी वाजपेयी में थी, अंतर्राष्ट्रीय जगत को भारत के नाम को गलत है। कारगिल का वार हुआ, हमने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। कारगिल के वार में 4,000 जवान शहीद हो या पुलवामा सरकार हमने अंदर घुस के ठोका। मैं बस सिर्फ मैं आपको किसी ने बोला, मैं ये वक्त वक्त पर दिखता है कि किस ढंग से मुझे मालूम है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि शौर्य को रेखाओं में मत खींचिए। शौर्य है उसको रेखाओं में या गोले में मत बांटिए। बिल्कुल मत बांटिए। ये कहा जाए कि सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए हो गए कि आरएसएस की प्रेरणा से, और दुर्भाग्य है ऐसी सरकार का। मैंने पूछा इस तरह की बात कब आएगा? किसने कहा? ये झूठ बयानबाजी करने के लिए आए हैं, ये झूठ बयान करने आए हैं। हाँ, भारत के लाल अभिनंदन का भारत में अभिनंदन का अभिनंदन है। रुख पे रक्त नहीं चंदन है। हाँ, अभिनंदन का अभिनंदन है। क्या बात है। और वतन की खातिर प्यारा फंसा हुआ दुश्मन दल में, जोश देखकर वीर शेर का कमी नहीं लगती बल में, रहे सलामत वीर हमारा, कृपा श्री रघुनंदन है, अभिनंदन का अभिनंदन है। गगन भेद कर मीलों जाता, पुनः पुनः सकुशल वह आता, आज समय कुछ आया खोटा, और हुआ दिल सबका छोटा, अभी ना हिम्मत हारो मित्रों, साथ देव की नंदन है, अभिनंदन का अभिनंदन है। जीवन मृत्यु अटल सत्य है, देखा जाता मगर कृत्य है, मातृभूमि की करे सुरक्षा, करे भगवती उसकी रक्षा, सैनिक सदा पूजनीय सबका, जैसी गौरी नंदन है, अभिनंदन का अभिनंदन है। अभिनंदन का अभिनंदन है। भारत माता की। जी मुझे मालूम है, जब तक आप 4 बार भारत माता की जय नहीं बोल लेते तब तक आपकी आवाज खुलती नहीं है, मुझे मालूम है। बहुत शुक्रिया। आपका क्या शुभ नाम है? रोशन कुमार चौधरी। बहुत बहुत शाबाश। मैं बिहार से हूँ। बहुत बढ़िया, मेरा सलूट। और बहुत बड़ा, मैं हिंदुस्तानी हूँ, एक बहुत बड़ा हिंदुस्तानी। ठीक आ जाओ, आपको मेरा सलूट। ये धरती मिथिला की है, ये वीर जवानों की है, ये युवाओं की धरती है, और अगर कोई भी पाकिस्तानी अगर मेरे भारत पे आंख उठा के देख ले तो उसके आंख को मैं गिरा दूंगा। ये वक्त ऐसा ही है, ये वक्त ऐसा ही है, लेकिन सर ये सोचने समझने का भी वक्त है। मैंने सुनी कविता, सुनी अच्छी लगी सर, लेकिन अगर कविता उत्साह बढ़ा सकती है, लेकिन कविता युद्ध नहीं जिता सकती, मुझे मालूम है। लेकिन युद्ध कोई रास्ता नहीं है,
युद्ध अंतिम विकल्प है, ये भी मैं जानता हूँ, और युद्ध का अनुमान जो पैदा करते हैं मैं उनके भी पक्ष में नहीं हूँ। तो युद्ध का अनुमान कोई फैसला नहीं करेगा। लेकिन सर आलोक जी, आज जिस तरह से युवा मोहब्बत की धरती है, हाँ हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। सवाल यह है कि जिस तरह का मिथिला से आया हुआ बच्चा कह रहा था, आखिर हम श्रेय के लिए लड़ रहे हैं और श्रेय के लिए सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि कहीं कोई बड़ा कहीं कोई छोटा ना हो जाए, ईमानदारी से सर आखिर क्यों? तो है तो वो भारतीय फौज को है, भारतीय सेना को है, वो हमारा जिस तरह से बॉर्डर पर हमारी रक्षा करती है, हर तरह से जान की बाजी लगाती है, उसके ऊपर कोई भी अगर किसी तरह की टिप्पणी करता है, कोई राजनीति करता है, वो देश के हित में नहीं। बिल्कुल नहीं जी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी इसी तरह का माहौल बना, लेकिन उसके बाद 6 बार आतंकवादी बड़े हमले हमारे ऊपर हुए, पुलवामा भी उसी के ऊपर हुआ। तो कभी भी हम जोश के साथ साथ होश खो वो गलत। बिल्कुल, आज हम कोई भी ऐसा एक्शन लें, यहां से नारे लगाएं भारत माता की जय, मेरा भी खून खौलता है, लेकिन उसके साथ चिंतन और मनन भी आवश्यक है। फर्दर आगे क्या करना है, केंद्र सरकार सोचेगी, आर्मी सोचेगी, डिफेंस सोचेगा, चिंतन और मनन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपने भी कहा कि युद्ध विकल्प नहीं है, नहीं है सर। युद्ध करना होता तो बहुत पहले युद्ध हुए भी हैं, लेकिन सर एक बात बताएं आप, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने के बाद भी अगर पाकिस्तान नहीं मान रहा है तो बाकी रास्ते भी हमें अपने खोजने होंगे। लेकिन हम दोबारा यहां पर भारत माता की जय के साथ अभिनंदन का अभिनंदन करते हैं, भारत माता की, भारत माता की। अब प्रतीक जी, जहां तक श्रेय का विषय है, निश्चित तौर से इस देश की सेना के अदम्य शौर्य और साहस का उनको श्रेय है। इस देश की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, प्रबल नेतृत्व जो नेतृत्व है उसकी प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति को श्रेय। लेकिन मैं जहां तक अभी ये मेरे मित्र कह रहे थे मनन और चिंतन की बात, तो सुना होगा, मैं इतना इनको बता दूं, आप खूब मनन कीजिए, खूब चिंतन कीजिए, लेकिन जब देश हित का मसला हो तो पाकिस्तान की भाषा पर मत आइए, आप उसको ऑक्सीजन मत दीजिए। हमें तकलीफ आपको सिर्फ इतनी है, आप हमारे मोदी जी का खत्म राष्ट्रवाद को जिंदा करने के लिए पाकिस्तान को बीच में लाया, आप हमारी सरकार की आलोचना कीजिए। आप होता है तो मोदी जी कहते हैं कि लेकिन यदि आप विपक्ष के साथ साथ तमाम अधिकारियों का रिलेशन, यदि आप किसी को ऑक्सीजन देने की, चुनाव समाप्त हो जाता है, ये जायज नहीं, संबंध नहीं। मैं आज आपके दुर्भाग्य कहना चाहता हूँ प्रतीक जी, हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, आतंकवाद से हम जमकर लड़ेंगे, नष्ट नाबूद करेंगे, आतंकवाद के समर्थन करने वालों का उसको भी हम नष्ट नाबूद करेंगे। और याद रखिए, जो लोग आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहाते हैं उन्हें भी इस देश की जनता कौन मना रहा है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। केके जी कौन मना रहा है, कौन आज, हाँ ऑफकोर्स मैं पूछा जाता हूँ, आखिर कौन कौन आंसू बहा रहा है? जी जी, मैं कोई भी राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन आपको अगर तब मुझे भी दुख होता और आपको भी होना चाहिए अगर कोई ये कहे कि भारतीय सेना कहे कि हम नेस्तनाबूद करके आए हैं वहां पर उनके लॉन्चिंग पैड, और हिंदुस्तान का कोई नेता ये पूछे कि कितने मारे वहां, तो पाकिस्तान तो कह रहा है एक भी नहीं मारा। हिंदुस्तान की सेना पर भरोसा नहीं, मत कीजिए राजनीतिक दल पर भरोसा, लेकिन हिंदुस्तान की सेना पर तो भरोसा कीजिए। ममता बनर्जी ट्वीट कर रही है कि मैंने वॉशिंगटन पोस्ट पर पढ़ा है कि एक आदमी घायल हुआ है, ऑफिशियल आंकड़े जारी करे, गिन के आए वहां पर, ऐसे कई लोग थे। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली में ठंडी हवा चलती है तो कुछ लोग मफलर बांध लेते हैं, दिल्ली में कुछ ठंडी हवा चलती है तो मफलर बांध लेते हैं, गोले की आवाज से जिनकी पेंट गीली हो जाएगी वो -46 डिग्री वाले से पूछते हैं कि कितने मार के आए, हैरत की बात है। ये है राजनीति। और आपको बता दूं, आप कह रहे हैं युद्धोन्माद 30 साल से, आप ये बताइए 1947 के पश्चात पहली बार क्या पहला हमला कभी भी किसी भारत ने किया क्या? फिर युद्धोन्माद से यह भाषा आका से कि युद्धोन्माद मत फैलाइए। अगर हमारे ऊपर युद्ध थोपा गया, 45 आदमी मार दिए गए, तो बातचीत के लिए पहुंच जाए वहां पर, बातचीत के लिए पहुंच जाए, क्या करें बताइए आप, बताइए आप क्या करें? हाँ ऑफकोर्स ऑफकोर्स आई विल आंसर यू। हाँ राइट सर सर। अच्छा देखिए, मैं एक सिपाही हूँ, हम जो हैं भारत के सिपाही वो किसी पाटू के टट्टू या किसी पाटू के पिट्टू नहीं होते, हम देश के सिपाही हैं और हमें एक ही चिंता है, देश की सुरक्षा।
अभी जिस किस्म का ये राजनीतिक माहौल थोड़ा सा बन गया उस पर अगर इजाजत हो तो दो लाइन सुना देता हूं। सर दो लाइन जरूर सुनाइए। हाँ। क्योंकि मैं बदला हुआ भारत भी देख रहा हूँ, बदला हाँ। हुआ सैनिक को कवि के रूप में भी देख रहा हूँ। कवि छोड़े ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम सर हाजिर होते हैं। भैया जी कैन में एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं इंडिया गेट पे मौजूद हूं। कर्नल आरपी सिंह का मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत तालियां बजा के स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और इससे अच्छा क्या होगा कि हमारे साथ फौज के जवान अधिकारी सब सम्मिलित हैं और जनता मौजूद है आपके सामने और आज अभिनंदन का अभिनंदन कर रहे हैं साहब। बहुत सारे लोग हैं, मुझे मालूम है मैं जनता के साथ रहता हूं, जनता के सवाल पूछता हूं, जनता अपने सवाल हमारे माध्यम से रखती है और यही कुल मिला के भैया जी कहीं है। लेकिन आज कुछ बदला हुआ, पिछले कहना चाहिए 14 तारीख से बदला हुआ ये जो समय है वो मैं आपको लगातार आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। जी क्या नाम है बाबू जी? मनीष जायसवाल जी, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ जी। पूछिए सर। मेरा प्रश्न कमांडर साहब से है। कमांडर खड़े हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो है अपने गधे चाइना को बेच के कमा रहा है, तो मेरा उनसे प्रश्न है कि हिंदुस्तान में गधों की बहुत बड़ी संख्या आबादी बढ़ती जा रही है, उसका क्या इलाज है? एनीवे बाबूजी बहुत देर से खड़े थे, मुझे मालूम है बहुत देर प्रतीक्षा की थी। जी जी बाबूजी जी जी प्रतीक्षा। तो मैं भारत भूमि का नमन करता हूँ, मुझे बोलने का समय दिया, राष्ट्र के हवाले सब कुछ किया है, जीवन तो हमने नौशावर किया है, देश ने तो हमको सब कुछ दिया है, हमने तो अपना कर्म ही किया है, देश की सेवा करते रहेंगे जब तक दम में दमे रहेंगे, दुखियों के दुख मिटाते रहेंगे, जीने का लक्ष्य बताते रहेंगे। लाखों ने इस पर जान लुटाई, हसरत के गोलियां सीने पे खाई, वीरों ने अपना नाम भारत माता की। मुझे मालूम है ऑफकोर्स मुझे मालूम है। क्या बोले? खड़े हो जल्दी। सर मेरा सवाल है आलोक जी से। हाँ। ये बोल रहे थे इच्छा शक्ति मनमोहन सिंह जी में नहीं थी तो उन्होंने 26/11 का बदला क्यों नहीं लिया? 26/11 में 200 हमारे नागरिक मारे गए तो कांग्रेस ने क्यों नहीं बदला लिया उसका? सब कांग्रेस कहाँ गई थी? सब इनका इच्छा शक्ति कहाँ गई थी? इनकी इच्छा शक्ति देखो प्लीज अभी एक मिनट। बड़ा सब कहते हैं ना कि पाकिस्तान आर्मी देश चला रही है, सब कहते हो ना, तो तुम अपना ठेका क्यों लेते हो आर्मी वाले पे? छोड़ दो ना आर्मी को अकेले, देखो 2 मिनट में कैसे मारती है पाकिस्तान को। कभी बीजेपी अपना बताती है आर्मी वाले को, कांग्रेस अपना बताती है। रोते हो ना पाकिस्तानों की आर्मी तो देश चला रही है, तुम भी चला दो आर्मी वालों को। मैं कहता हूँ भारत की जनता को आर्मी के ऊपर कभी भी संदेह नहीं हुआ। संदेह होता है तो कुछ नेताओं के ऊपर होता है, नेताओं के व्यक्तियों के ऊपर होता है। दूसरी चीज, आज की लीडरशिप और सेना की वजह से यह हमें आज दिन देखने को मिला है। तीसरी चीज, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वो नर नहीं पशु है और मृतक समान है। सर जी मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज जय जय जय। सर जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना तो मैं किसी पार्टी का हूँ, मैं एक देश का जवान हूँ और नौजवान हूँ और बेरोजगार भी हो सकते हैं यहाँ के कई रोजगार। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देश में जब ऐसा संकट आएगा, जब देश में विकास नहीं हो पाएगा। और अब मैं एक छोटी सी कविता मैंने अभी हाल लिखी है कि अभिनंदन है जहां देश में केसर हल्दी और चंदन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बंधन है, मथुरा काशी का जो नंदन है, अभिनंदन है। उत्साह में मत आया करो एकदम, ये उत्साह बचा के रखो, अभी काम आएगा बहुत।
बहुत सारे सवाल पूछे गए और कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिनका मैं उत्तर देना उचित नहीं समझता। ऑफ कोर्स यू हैव फुल राइट, यू हैव फुल राइट। मैं केवल एक सवाल पूछता हूं कि हम अपने किसी भी प्रधानमंत्री को कमजोर बताएं, मजबूत बताएं। हाँ। 2014 की जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे थे या आज के हालात अच्छे हैं, तय कीजिए कौन मजबूत था कौन कमजोर है। प्लीज बोलिए। आपको मैं इसका जवाब दे दूंगा। मैं कश्मीर से आया हूं, भारतीय वासी हूं और कश्मीर में रहा था। मैं किसी पार्टी का यहां पर नाम नहीं ले लूंगा, लेकिन इतना बताना चाहता हूं जो खून जिगर उस वक्त हमें पिया गया, कैसे हमें वहां से निकाला गया, हमारे घर कैसे नजर आतिश किए गए, क्या किया उस वक्त उस पार्टी ने वहां पर जो वहां पर राज कर रही थी। हमें वहां पर हमारे बेटियों को सरकार थी, हमारे बच्चों इसी मैं जानता हूं। मैं किसकी सरकार थी, मुफ्ती कौन था, अरे कौन था मुफ्ती, कौन था नहीं थे आंसर, सीएम कौन था मुझे मालूम है। ऑफकोर्स आलोक ऑफकोर्स मुझे मालूम है। देखिए अगर आप डिसिप्लिन होके चीजें रखेंगे मैं जरूर वो लोग जवाब देना चाहेंगे। ऑफकोर्स ये जवाब देना चाहेंगे, पर आप कभी जवाब देंगे।